उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे, हमको मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है तो उस पर विराम लगे, इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहें कि नहीं ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम आगे नहीं करेंगे, अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए लगातार उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार पार्टी कमजोर हो रही है और इसी को लेकर उन्होंने कह दिया कि पार्टी में कुछ नेता चुनिंदा नेता को छोड़ दिया जाए तो तमाम जो नेता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से या पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी का जो मामला है उससे नाराज चल रहे हैं। इसके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, जब उनसे सवाल किया गया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं नहीं, इसके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता बन के भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन डील वाली बात पे अभी तक उपेंद्र कुशवाहा अडिग चल रहे। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कोई मतलब ही नहीं है, हम करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे, हमको मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ एक ही है कि बिहार की जनता की जो इच्छा है उस उनकी इच्छा के अनुकूल पार्टी एक्ट करे, सिर्फ हम इतना। पार्टी किसको बनाए, लीडर किसको बनाए? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी को कोई लवकुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का या किसी दूसरे समाज का भी, जिसको लोग पसंद करते हों, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हों, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए, छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है तो उस पर विराम लगे, इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है, इस डील की बात समाप्त की जाए और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को, अति पिछड़ा समाज से किसी को ले आइए, अब लवकुश में से किसी को ले आइए या जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं पार्टी में, एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए, लेकिन जो जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है, हो जाएगी। एक सवाल है सर, सर एक सवाल है, आप वार्ड का भी चुनाव नहीं जीतिएगा? अरे भैया हम ना जीतेंगे, ठीक है 19-20 हम ना जीतेंगे वार्ड का चुनाव, इससे कहाँ फर्क पड़ता है। 19-20 तारीख को आपने जो बैठक बुलाई है जो पार्टी से नाराज है? अरे भैया पार्टी से तो लगभग सभी लोग नाराज हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके, 2-4 लोग जो गिनती के हैं जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। देखिए सच बात यही है कि आज मुख्यमंत्री जी भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री जी करते तो इतने दिनों के संघर्ष के बाद सत्ता में आए और इतनी मेहनत करके बिहार को उन्होंने एक बने बड़ा झंझावात से निकाल करके बिहार को उन्होंने बाहर निकाला लाया है, तो इतनी मेहनत नीतीश कुमार जी ने की है, याद कीजिए ना उस समय जो खौफनाक बंजर बिहार में था, नीतीश कुमार जी ही थे जिनकी काबिलियत के चलते अब बिहार बाहर आ पाया, तो नीतीश कुमार जी के मन में तो दर्द है या बिहार फिर उसी तरफ नहीं जाए, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है, कुछ लोग उनको घेर करके करवा रहे हैं और ऐसे लोगों से घिर कर मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं इसके चलते गलती हो रही है। इसलिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वैसे लोगों की बात मत आइए, आप उनकी बातों में मत आइए, अपने दिल की बात सुनिए मुख्यमंत्री जी, तब उचित निर्णय। कौन कौन से लोग भ्रमित कर रहे हैं, कौन कौन से भ्रमित कर रहे हैं ये बता देते, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? अरे भैया जिस तरह से हमको पूछ रहे हैं उसी तरह से हम तो बार बार बोल रहे हैं, आप पार्टी कार्यालय में चले जाइए, हम बाहर की बात नहीं कर रहे, पार्टी कार्यालय में चले जाइए, कैमरा बंद कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा और वहाँ किसी से भी पूछिएगा, इवन पार्टी कार्यालय का जो हमारा स्टाफ है उससे भी अकेले में भी पूछिएगा तो लोग बता देगा कि कौन कौन लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 19-20 को जो आपने बैठक बुलाई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं आप और इस आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है आपसे? अब फिर आप लोग तो अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कोई मामला नहीं है ना, कौन कर रहा, हर तरह की कार्रवाई झेलने को उपेंद्र कुशवाहा तैयार है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप रखिए ना रखिए उसकी भी बात नहीं, पार्टी को बचा लीजिए या पार्टी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा
के मन में इस पार्टी के लिए दर्द नहीं है। लेकिन उपेंद्र जी बचा लीजिए इसको, आपका जो मीटिंग है वो चुनौती मान रहा है जेडीयू। फिर आप हम आपने कभी कोशिश की, चुनौती है कि नहीं वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए? किसी के लिए चुनौती नहीं है, हम पार्टी की मजबूती के बात की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने मीटिंग रखी है। देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहाँ के लोग, आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिल करके सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ, जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पर पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चलती चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवें और अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से मुझको बोलते हैं मिल करके एक जगह बैठ करके और इस चिंता पर विमर्श करें, और इसीलिए 19 और 20 दो दिन की बैठक रखी गई। कभी कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की? भाई लगातार हम तो बोल रहे हैं, एक बार आप लोगों के माध्यम से मैसेज मिला जब हम हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, आप लोगों से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको कह दीजिए कि बात करें, तो हम तो उस दिन से हमने आप लोगों से भी कहा कि ठीक है बात जिस समय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस समय हम आकर करने को तैयार हैं। तो किसी समय मुख्यमंत्री जी कहें, हम किसी भी समय रात के 12 बजे भी कहेंगे तो हाजिरी लगाने के लिए तैयार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के इशारे पर ही सब कुछ कर रहे हैं। अब फिर सवाल को इधर उधर करने से क्या फायदा है? उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करने पर कर रहा है कि मुस्लिम लीग के इशारे पर कर रहा है, कहाँ मैटर करता है भाई? हम तो कह रहे हैं कि बचा लीजिए ना उपेंद्र कुशवाहा को, क्यों बीच में ला रहे हैं कि मुस्लिम लीग और बीजेपी? उपेंद्र कुशवाहा तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि उस डील की बात को समाप्त कीजिए यदि डील है, और नहीं डील है तो सार्वजनिक रूप से कहिए कि जो बात पहले हुई है नहीं है, गलत है, कोई डील नहीं है, और फिर बताइए लोगों को, एक निर्णय हो जाए पार्टी में बैठ करके कि किसको आगे के लिए करना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं है उम्मीदवार, हम साफ साफ बोल रहे हैं। आप अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले लीजिए, लव कुश समाज से ही किसी दूसरे व्यक्ति को ले लीजिए, जिन लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उनमें से किसी को भी ले लीजिए और उसको आगे कर दीजिए। हम तो इतना कह रहे हैं पार्टी बचाने के लिए। खाने खाने किसी को आगे कीजिए, नीतीश कुमार आगे सीएम का उम्मीदवार नहीं हो, यानी कि आप लोग अब नीतीश कुमार आगे ने, नीतीश कुमार को एक तरफ सब लोग कहते प्रधानमंत्री बने, आप कहें कि आगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो? आप क्या हमसे कहवाना चाहते हैं भाई? इस सवाल ही अजीब किस्म का। क्या लगता है कि पार्टी अभी अगरों के हिसाब से चल रही है? अगरों पिछड़ों का मामला नहीं है भैया, सवाल है दो तीन व्यक्ति का। माफ कीजिएगा, इस पार्टी को बनाने में अग्रि जात के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कुर्बान किया है। जब लालू जी का खौफ चल रहा था उस समय अग्रे समाज के लोगों ने भी बहुत कुर्बानी दी है। समता पार्टी का निर्माण हुआ, हाँ आधार जरूर लव कुश बना, आधार जरूर अति पिछड़ा समाज के लोग बने, लेकिन दलित महादलित समाज के लोग, यहाँ तक कि माइनॉरिटी समाज के लोग भी और अग्रणी जात के लोग भी, सब लोगों ने मिलकर इस दल को समय समय पर ताकत दी। तो हम किसी उस रूप में नहीं कह रहे कि अग्रा और पिछड़ा, इसका सवाल ही नहीं। समरस समाज बने समता पार्टी का यही नारा था, और समरस समाज बनाने में नीतीश कुमार जी कामयाब हुए, मेरा दावा है कामयाब हुए, डंके की चोट पर हम करें, लेकिन अब जिस ओर बढ़ने की बात हो रही है वहां क्या होगा यह चिंता का विषय है, यह चिंता का विषय। धन्यवाद। जेडीयू में अपने को मान रहे हैं या अलग हैं? अरे भाई जेडीयू में है, ये कौन कह दिया किसने कि जेडीयू में हम अलग क्यों मानेंगे? हम जेडीयू में हैं, पूरी मजबूती से जेडीयू को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं यह पार्टी मजबूत हो, और इस पार्टी की मजबूती के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वह यह है कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो ना पसंद हो यह व्यक्तिगत मामला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लव कुश समाज का, या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है, और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, हम यह बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनको दो बार उगाए, हम अरे भाई हम सम्मान दिए, आप गलत सवाल पूछ, हम करें हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो
उपेंद्र कुशवाहा लायक है ना लायक है इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लवकु समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी और जो सामान्य जात के लोग हैं इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है। तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं उस डील का डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को कथित डील को समाप्त कीजिए और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहा कह रहे कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए। डील डील क्या था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की डील थी क्या? ये यही ये बात कोई हमसे लगातार आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, यही डील है, यही डील है। और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहें कि नहीं ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम आगे नहीं करेंगे, अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। लेकिन संसदीय बोर्ड से आपको तो आपने सुना उनका साफ तौर पे कहना कि पार्टी में अगर डील के मुताबिक काम आगे चलेगा तो पार्टी का नाम और निशान मिट जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डील से हट के अगर जो बात होती है या अगर जो कोई डील हुई या नहीं हुई, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सामने आके इन बातों को स्पष्ट करते हैं तो बात सही है, लेकिन अगर डील के मुताबिक बात होती है तो पार्टी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पार्टी में कुछ चुनिंदा नेता को छोड़ दिया जाए तो तमाम नेता जो है वो पार्टी से नाराज चले, नाखुश चले। और इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि पार्टी में अगर जो उन्हें सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने का मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे, उन्हें कोई भी शौक नहीं है राष्ट्रीय पद लेने का, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने रहने का। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।